पितृ पक्ष का अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष अश्विन मास की अमावस्या तिथि को ही सर्व पितृ अमावस्या होती है। दीजिए अपने सपनों को पहचान मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में। अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। 6 अक्टूबर बुधवार को मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सर्व पितृ अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान किया गया। जिला के कोटली तहसील के धरवालडी गांव की मीना देवी ने बताया कि इस दिन पृथ्वी लोक पर आए उन सभी पितरों को श्राद्ध कर्म से आत्म तृप्त करके पितृ लोक विदा करते हैं और पितर तृप्त होकर अपनी संतानों के सुख समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने लोक चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन वे लोग भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जो किसी कारणवश अपने पितरों का श्राद्ध निश्चित तिथि पर नहीं कर पाए हैं, वे इस दिन ही अपने पितरों के लिए तर्पण पिंडदान या श्राद्ध करते हैं और अपनी संतानों के लिए सुख शांति की कामना मांगते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध के दौरान अपने पितरों की याद में लोग सगे संबंधियों को पकवान भी देते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में भाटी कहा जाता है। इन 15 दिनों में केवल पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना भी कराते हैं। इसके बाद अब 7 अक्टूबर से शरद नवरात्रि और शादी व अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। हाँ, जैसे वंश दीति जेना पितर पितरी कार्य था, 16 दिन इकट्ठे पृथ्वी पर पितर आए रहे थे। आज वो अपने अपने स्थान को सब वापस चले जाएंगे। जिन्होंने सबको दिया आज श्राद्ध, जिन जिन के श्राद्ध थे वो उनके कईयों के हुए नहीं, उनको आज सबको हमने याद किया और उन सबको हमने उनके लिए श्राद्ध दे दिए। जितने भी हमारे पितर थे पूरे पितरों को हमने जो भी बनाया सब कुछ हमने उनकी इच्छा के अनुसार वो सब खा जाएं और हमें सुख शांति प्रदान करें, हमारा कुल के लिए वो सब कुछ दें, हमें बच्चों के लिए भी खुशियाँ लाए आगे के लिए और सभी को लंबी उम्र की उन्नति दें। बाकी जो भी भूले चूले हुए हमसे भूल चूल जैसा भी हमारे घर में बनाए वो अपने वो आकर के सब खा जाएं, जिस पंथ में भी वो है वो कूक भर कर सुने और नजर भर कर हमारी तरफ देखें और हमारे घर में जो भी बना है उसे स्वीकार करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।